अभी ना शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी ना आकर आ रही हूँ क्योंकि ना हमारे यहाँ कल अयोध्या है, एक तरीके का फेस्टिवल नहीं बोल सकते, बट उसमें मम्मी लोग ना फास्ट रखती हैं। आई थिंक बेसिकली वो बच्चों के लिए होता है, एकदम फ्रेश खाना बनता है जिसमें आई थिंक 5 तरीके की सब्जियाँ बनती हैं और खीर बनती है, पुआ पुलाव, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी सब्जी मम्मी इसमें? बोरो, परवल, कुंदरून, बैंगन, कंदा, मूली। और ये पत्ते जैसा क्या है? नोनी का साग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है। ओके, ये कंदा, दिस इज कंदा। अयोध्या में ना सब कुछ मतलब साफ ही यूज़ करते हैं, बिल्कुल फ्रेश। ऐसा नहीं होता कि आप पहले वो चीज़ यूज़ कर चुके हो, आप उसको दोबारा यूज़ करो। एवरी थिंग शुड बी फ्रेश एंड न्यू। फ्रेश आटा निकाल लिया है, इसे एक भी बार यूज़ नहीं किया है। फ्रेश घी निकाल लिया है, फ्रेश चीनी निकाल, हम सबका बहुत फेवरेट है, जिसको हम मालपुआ के नाम से भी जानते हैं या फिर पुआ के नाम से भी जानते हैं, उसी का ये पेस्ट है। मम्मी ने इसे आटे और चीनी से बनाया है। अगर आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो, बट मैदा हमारे घर पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता। किससे बात कर रहे हो? ये मैं YouTube पे डालने वाली हूँ। ओए ओए, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए? हाँ, तो ऐसे तो खाओ भी नहीं तुम लोग। एक बात बताओ, आपको भी लगता है कि कौवों के साथ नाइंसाफी हो रही है? मतलब ऐसे तो जब वो घर पे बैठते हैं तो हम उनको भगा देते हैं, और अभी जो 15 दिन का जो ये चल रहा है शाद वाला टाइम, इसमें हमें कौवे इतने प्यारे होते हैं, मतलब बस कौवों को बुला लो, खीर बना दो, मिठाई बना दो, सब कुछ दे दो उनको। मैं ना खुशबू सुनते सुनते किचन में आई हूँ और ये देखो खीर बन रही है। इसी की खुशबू कब से आ रही थी मुझे। अनकट वीडियो है ये, आपकी क्या राय है? सब बजेगा, सब बजेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2। जाके छत पे रख दिया था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा नीचे ग्राउंड की तरफ पानी एंड ऑल भर गया है, और थोड़ी बहुत धूप भी हो रही है अभी क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया ऊपर आने में। एंड देखते हैं कौवे ने खाया कि नहीं। कौवों ने तो ज़्यादा खाना खाया नहीं है अभी। और आप लोग को याद होगा मैंने एक वीडियो में अपना DIY में तुलसी जी लगाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। देखो काफी बड़ी हो गई है। अब हम चलते हैं वापस। ये सारे सामान कल आए हुए हैं, ये कल से ऐसे ही पड़े हुए हैं जमीन पे, अब इसको एक दिन बाद यूज होगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस ब्राउन ब्रेड से सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। वैसे तो हमारे पास अंडे का पूरा कैरेट रखा है, बट वी कांट यूज देम क्योंकि अभी श्राद्ध वगैरह चल रहा है। मैंने प्याज और टमाटर को लेयर्स में काटने की बहुत कोशिश की है, बट लास्ट तक तो मैं सक्सीड नहीं हो पाई। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा अच्छे से काट लिया था, ये टमाटर काट लिए हैं, और ये है वो मेयोनीज जिसको हम लोग इस पे लगाने वाले हैं। ये हमारी फेवरेट मेयोनीज है। इतना बड़ा कौवा देखा है कभी किसी ने? और इसके पंख भी बिल्कुल ब्राउन है, मैं इससे ज़रा जूम नहीं कर पा रही। मुझे ना मोल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पहले मेरा एक ये मोल था और एक ये वाला मोल था, बट नाउ दिस इज़ द न्यू वन, एंड यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मोल ही निकल रहा है। अगर आप लोग को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि मोल्स बहुत निकलते हैं, तो आप क्या करते हो, मतलब कोई मेडिसिन यूज़ करे हो या फिर क्या यूज़ करे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानने की। हमारे घर में जब भी टीवी चलती है ना, उसमें हमेशा साउथ की पिक्चरें चलती हैं। अभी भी हमारे घर पे साउथ इंडियन पिक्चर ही चल रही है। क्या नाम है इस पिक्चर का? खतरनाक खिलाड़ी। इसके आई थिंक बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, एक डेंजरस खिलाड़ी भी है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं साउथ में, तो हम बस उनमें से कोई एक खिलाड़ी देख रहे हैं आज। हम को लूडो मैच खेलते हैं मतलब पूरी फैमिली, बट आज क्योंकि मम्मी चली गई है तो मम्मी की भी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है क्योंकि
मतलब अब भाई बहन में यार हमेशा लड़ाइयाँ ही होती हैं ज़्यादातर तो. एंड मम्मी के साथ रहता था कि मम्मी के साथ थोड़ा हम शांत रहते थे और लड़ाई झगड़े कम होते थे हमारे. एंड अब क्योंकि मम्मी चली गई है तो फिर अब लूडो का मैच भी हम कंप्यूटर के साथ में खेल रहे हैं.